Finally, charnamrit ready ho gaya. लेकिन गंगा जल तो यहाँ पर है ही नहीं. अरे तो इसमें चिंता करने की क्या बात, जाओ गंगा जल लेकर आओ. एक काम करती हूँ, गंगा जल लेकर आती हूँ. अरे वही तो बोला मैंने, जाओ जाओ चिंता मत करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ. हुँ? लेकिन अनन्या तो अकेली गई है और मैं यहाँ पर हूँ, तो मैं उसके साथ कैसे हूँ? लेकिन मैं उसके साथ जाऊंगा तो भी उसे पता कैसे चलेगा कि मैं उसके साथ हूँ या नहीं. इससे अच्छा मैं यहीं पर रहता हूँ और पंचामृत की सुरक्षा करता हूँ. अच्छा ठीक है, चलो. अगर तुम सच में सॉरी ही बोलने आए हो तो तुम्हें ये बात को साबित करना होगा. ये स्टेप करके दिखाओ, फिर ही मैं मानूंगा. बस अब जब तक चरणामृत नहीं बनता इसे ऐसे ही टाइम पास करवाता हूँ. अच्छा चलो, अब ये दूसरा स्टेप भी करके दिखाओ. ओके, चलो. ये रहा चरणामृत, अब इसे मैं पूरा खराब कर दूंगा. फिर बाद में प्रिय और बिल्वा मेरे चरणों में गिर जाएंगे. रे भगवान जी, मुझे यहाँ पे चरणामृत की सुरक्षा करनी है. मैं अगर इन्हें हाथी नहीं लगा पाऊंगा तो इन्हें बुरा काम करने से रोक कैसे पाऊंगा? यस, थैंक यू भगवान जी. सही समय पर मेरा पावर स्विच ऑन हुआ है. ये चरणामृत खराब करने आया है ना, अब मैं इसे सबक सिखाता हूं. चप्पल मारा, अरे कौन चप्पल मारा? अरे सामने आ जा ताकि मैं छुप सकूं. सामने आ जा. अरे सामने क्यों नहीं आता तू मेरे? अभी आता. लगता है डर गया. अरे बड़े बड़े इंसान इस छोटे इंसान से डरते. अभी तक कोई मैंने गंदगी नहीं की, तो ये किसकी सफाई करने आया है? अरे ये झाड़ू कचरा साफ नहीं करता है, बल्कि कचरा फैलाने वाले को साफ करता है, और इसीलिए अब ये झाड़ू तुम्हारी सफाई करेगा. देखिए 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 झाड़ू जी, आया झाड़ू जी, झाड़ू जी, झाड़ू जी, झाड़ू जी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा जी? अरे सब तुम लोगों ने ही तो बिगाड़ा है, इसलिए तो मेरी हालत है. सुनो ना मेरी बात झाड़ू जी. लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं वापस आ गया हूँ सब ठीक करने के लिए, और ठीक करने की शुरुआत तुमसे करूँगा. अच्छा चलो, अब ये तीसरा स्टेप भी करके दिखाओ. ओके चलो. क्या हुआ, थोड़ा मुश्किल स्टेप है? मेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं, पर मैं यहाँ सॉरी बोलने आया हूँ. डांस रियलिटी शो का ऑडिशन देने नहीं. रियलिटी तो बाहर निकालनी है मुझे तुम्हारी. अगर आप डांस नहीं कर सकते तो सिंगिंग कर लीजिए. आफ्टर ऑल आपको सॉरी बोलना है तो कोई सॉरी वाला गाना ही गा दीजिए. बस हम 2-4 मिनट और उलझा के रखते हैं इसे. अच्छा गई है ना, गई. हे 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 ह
क्यों मारा? चाटा क्यों मारा? झाड़ू हवा से लग सकता है, लेकिन चाटा हवा से नहीं लगता जी। गड़बड़ जी, इसका मतलब यहाँ कोई ना कोई है जी। ये यहाँ पे गंदगी फैलाने आया है ना, अब ये खुद उस गंदगी में डूब जाए। ये अयो अयो ए ए नहीं बाल्टी ए ए बाल्टी ए नहीं 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 मेरे को 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 नहीं बोला ना। गॉड, ये स्मेल कहाँ से आ रही है? ये गोबर कहाँ से आ गया यहाँ पे? अरे ये तो नया नया परफ्यूम है ना मार्केट में, 100% ऑर्गेनिक परफ्यूम। यहाँ पर तो एक मिनट खड़े होना भी मुश्किल हो रहा है, पूरे घर में रूम फ्रेशनर लेके घूमना पड़ेगा लगता है। अरे इतना सब बोल दिया, थैंक यू तो बोलो। अरे इतनी मेहनत की है मैंने यहाँ पे, ये चरणामृत की सुरक्षा कर रहा हूँ, फिर भी बस कब से ये स्टेप करूं वो स्टेप करूं, ये गाना गाओ वो गाना गाओ, रोबोट हूं रेडियो नहीं, बहुत देख लिया गुड टॉय बनकर, अब जिस काम के लिए आया हूं वो करूंगा। अब बोल देना सॉरी, लेकिन उसके पहले एक और गाना सुनाइए। गाना नहीं, इस बार बढ़िया सा धमाका सुनाता हूं, भारत नगर में बड़ा सा ब्लास्ट करके। तुम भी बैड टॉय ही निकले, विवान गुड टॉय के साथ गुड बॉय, लेकिन बैड टॉय के साथ वेरी वेरी बैड। अब देखते हैं कि कौन ब्लास्ट होता है, भारत नगर या तुम। फिर से भी छोड़ आता हूँ अंतरिक्ष में, वही अपने जैसे रोबोट्स का कोई प्लैनेट ढूंढ लेना तुम। Countdown begins. अब पर्दा उठेगा और होगी मेरी एक ग्रैंड एंट्री हीरो की तरह, और इस बार बालवीर नहीं रे बचाएगा सबको, फिर भारत नगर वालों के साथ साथ विवान भी मुझे ही हीरो समझेगा। होगा ब्लास्ट, अब जलेगा भारत नगर। भारत नगर नहीं जलेगा, जलोगे तुम स्टूपिड इडियट इविल टॉय। अगर इन सबने मिलकर रोबोट को डिस्ट्रॉय कर दिया तो मैं इन सबकी नजरों में हीरो कैसे बनूंगा?
अरे मेरे तो चरणामृत खत्म हो गया, अब मैं क्या करूँ? मेरा भी मेरे में भी सिर्फ 5 ml बाकी है, इससे क्या होगा? अब क्या करेंगे? ए, ए, पास में आना। मिल गया मुझे एक और मौका। रुको। को हराने की जिम्मेदारी हम दोनों की है छोटे। भले इस बार तुम मुझे देख नहीं पा रहे, लेकिन आज हम दोनों मिलकर इस बुराई को मिटाएंगे। बालवीर को अपना कोई प्लान नहीं बर्बाद करने दूंगा। अच्छा, अब कैसे बनोगे हीरो? जब मौका था तब तो नहीं बने हीरो। बेवकूफ हो तुम। याद रखना, विलन जितना बड़ा होगा उसको हराने वाला हीरो भी उतना ही बड़ा होगा। भूख लगी है तुम्हें? तो फिर ख्याली पुलाव क्यों पका रहे थे? इतना सब करके क्या मिला तुम्हें? ठेंगा और मुझे झाड़ू और गोबर, वो भी किसी अदृश्य इंसान से। इसी बात से तो मैं भी परेशान हूँ कि वो इनविजिबल पावर क्या थी जो विवान की हेल्प कर रही थी। बस फिर बात है तो ये भी पता चल जाएगा। ना, नाम लिया और शैतान सुंदरी हाजिर। अरे ये बस्ता के साथ में लेकर आई हो? मैंने ही कहा था ताकि मेरे माइंड में जो भी डाउट्स हैं सारे आज क्लियर हो जाएं। हाँ, अब मेरी सोल चंपक मशीन रेडी है और अब हम सोल की वॉइस रिकॉर्ड करके उसे बाद में प्ले करके सुन भी सकते हैं। वाह, क्या मशीन बनी है रंकू। और अब इसकी हद से मुझे पता चल जाएगा कि विवान का इनविजिबल फ्रेंड कौन है। मैंने इसमें एक मैजिकल जैमर लगा दिया था ताकि इस डिवाइस में कोई भी रियल बातचीत रिकॉर्ड ना हो और सारी रियल बातचीत इस चिप में रिकॉर्ड हो जाए ताकि सिर्फ मैं जान सकूं कि वो इनविजिबल पावर आखिर है कौन। Oh.
बताओ। मैं हूँ तुम्हारा देवू मिया। बालवीर, बालवीर लौट आ गया है। श्री, तुमने इसे तोड़ा क्यों? तो बालवीर इस यंत्र के अंदर नहीं, यंत्र के बाहर घूम रहा है तुम्हारी गर्दन पकड़ने के लिए। हम इसकी मदद से जान सकते थे कि बालवीर अटैक क्या करने वाला है, उसका प्लान क्या है। अब हम जान चुके हैं कि वो इनविजिबल पावर बालवीर है, लेकिन मेरा हीरो बनने का प्लान सक्सेसफुल हो उसके लिए इम्पोर्टेंट यह है कि विवान को कभी पता ना चले कि बालवीर लौट आया है। अंदर मुझे ऐसा लगा जैसे दीपू भैया मेरे सामने ही थे। मैं हूँ तुम्हारा दीपू भैया। भैया कि वो अनजानी दोस्त आप ही हो जो मेरी मदद कर रहे हो। मैं जानता हूं विवान कि तुम मुझे पहचान सकते हो, इस रूप में भी तुम मुझे महसूस कर सकते हो। भैया भले ही मैं आपको देख नहीं सकता पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप मेरे सामने ही खड़े हो, मुझसे बात कर रहे हो। हाँ विवान, मैं तुम्हारे सामने ही खड़ा हूँ। क्यों भैया क्यों, आप मेरे सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? क्यों आप मुझे अपने आप से दूर रखना चाहते हैं भैया? क्यों? मजबूरी है विवान, वरना मैं तो चाहता हूँ कि मैं तुमसे मिलने के लिए आकाश पाताल लेख कर दूँ। आप नहीं जानते भैया मैं कितना मिस कर रहा हूँ आपका मुझे छोटा कहना, हमारा हंसी मजाक, हमारा लड़ना। भैया आपका मन नहीं होता क्या मुझसे मिलने का, मुझे गले लगाने का? अरे छोटे, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? तुमसे मिलने के लिए, तुम्हें एक बार गले लगाने के लिए मैं वापस मरने को भी तैयार हूं। भैया अगर आप लौट आए मेरे पास आइए और एक बार फिर मेरे कंधे के ऊपर हाथ रखकर कहिए चलो विवान अगले मिशन पे चलते हैं। भैया विवान, वो मैं तुमसे ये पूछने आई थी कि तुमने सब लोगों की एबल टॉयज की मेमोरी क्लीन की है या नहीं। हाँ दीदी, मैंने सबकी मेमोरी क्लीन कर दी लेकिन मैं खुद के दिमाग में से एक मेमोरी को डिलीट नहीं कर पाया। कौन सी मेमोरी? हमारे अनजाने और इनविजिबल दोस्त की मेमोरी को। वो हमारे सामने होकर भी हमसे कितना दूर है एंड आई कैन फील कि वो अभी भी यही हमारे आसपास है। अनन्या खबरदार, अगर तुमने विवान को उल्टा सीधा कहकर ये कहने की कोशिश की कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ, देखो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। अब वैसे भी नहीं कर सकता लेकिन मैं और कुछ जरूर करूंगा। हाँ विवान, मैंने भी कुछ फील किया है, मुझे भी लगता है कि कोई है जो हमसे कुछ कहना चाहता है। ये हुई ना बात अनन्या, थोड़ा गुस्सा किया लेकिन बात तुम्हें समझ में आ गई, अब मैं तुमसे बात करूंगा। लेकिन कैसे करूंगा? लेकिन विवान मुझे एक और चीज भी फील हुई। क्या दीदी? यही विवान कि तुम इन इविल टॉय से अकेले लड़ रहे हो, कि अगर मेरे पास मैजिकल पावर्स होती तो शायद मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर पाती। लेकिन दीदी आपने हेल्प तो की ना, चरणमृत आपने ही तो बनाया। आई नो विवान, लेकिन अगर मेरे पास मैजिकल पावर्स होती तो शायद मैं उन टॉय से लड़ पाती, शायद ये इविल टॉय की प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व भी हो गई होती अगर मैं परी बन गई होती तो। ना वो परी बनने की सेरेमनी पूरी हो पाई और ना ही पहले की परियों का आवाहन कर पाए हैं शौर्य वीरलोक में। हाँ
जो काम अधूरा रह गया है वो पूरा तो जरूर होना चाहिए, चाहे मैं हूँ या ना हूँ। यू आर राइट दीदी, आई एम श्योर अगर देबू भैया यहाँ होते तो वो भी यही कहते। लेकिन अब मुझे और मैच्योर होकर हर प्रॉब्लम को देबू भैया की तरह ही सॉल्व करना होगा। अब चाहे दुश्मन जो चक्रव्यूह बना ले, मैं उस चक्रव्यूह को तोड़कर ही रहूंगा। अब बुराई अगर अपना सर उठाएगी तो उसका सर झुकाने के लिए हमें फाइटर्स चाहिए होंगे। दीदी अब मेरे साथ चलिए, मैं बात करूंगा बालपरी से आपको परी बनाने के लिए। अब विवान जो काम स्टार्ट करेगा उसे पूरा करके ही रहेगा। चलिए दीदी। ये हुई ना बात, अब विवान मेरे बिना भी अकेला नहीं होगा, अनन्या की शक्तियां उसके साथ जुड़ जाएगी। रे अच्छाई और सच्चाई की टीम एक और बार तैयार हो रही है, अब तेरा क्या होगा रे? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.